दोस्तों नमस्कार, रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपनी ये जो क्लास है ये मारवाड़ के राठौर राजवंश के बारे में चल रही है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था किसके बारे में, राव सियार के बारे में, फिर राव धोवड़ के बारे में, और फिर लास्ट में मैंने आपको राव मल्लीनाथ जी के बारे में बताया था। मल्लीनाथ जी को मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और इनका मंदिर भी बताया था मैंने आपको तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो आज अपन आगे की बात करेंगे। और अगले जो मारवाड़ के शासक थे उनका नाम था राव चुंडा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करना। तो अगले जो मारवाड़ के शासक थे उनका नाम था राव चुंडा। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा मंडोर को अपनी कैपिटल, कहने का मतलब राजधानी, बनाया गया। ये जो राव चुंडा थे, इन चुंडा के द्वारा जो मंडोर थी उस मंडोर को राजधानी बनाया गया। राव सिया ने किसको राजधानी बनाया था, तो आपका आंसर आना चाहिए खेड़ा बालोत्रा को। उसके अलावा जो राव मल्लीनाथ जी थे इनके द्वारा नाकोड़ा बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया गया। उसी प्रकार से जो राव चुंडा थे इनके द्वारा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया था। और राव चुंडा की अगर पत्नी की बात करें, पत्नी यानी रानी, तो रानी का क्या नाम था, तो रानी का नाम था किशोर कुमरी। इनकी जो रानी थी उस रानी का नाम क्या था, किशोर कुमरी। तो होता क्या है, राव जो चुंडा थे ये चुंडा अपनी जो पत्नी थी किशोर कुमरी इसके प्रभाव में आकर, इन दोनों के पुत्र थे चुंडा और इन दोनों के किशोर कुमरी के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। और एक पुत्र का नाम था रणमल और दूसरे पुत्र का नाम क्या था, काना। अभी मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, राव चुंडा के द्वारा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया। राव चुंडा की पत्नी का नाम बताया मैंने किशोर कुमरी, और इस किशोर कुमरी और राव चुंडा के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था काना। तो ये राव चुंडा इस किशोर कुमरी के प्रभाव में आकर, कहने का मतलब ये है मेरा, ये जो राव चुंडा थे ये अपनी रानी इस किशोर कुमरी के प्रभाव में आकर अपना जो उत्तराधिकारी है वह किसे बनाते हैं, अपना उत्तराधिकारी किसे बनाते हैं, कान्हा को। उत्तराधिकारी बनाया, क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैंने आपको यह बताया राव चुंडा की जो पत्नी थी उसका नाम था किशोर कुमरी, इन दोनों के दो पुत्र थे, एक का नाम रणमल और दूसरे का नाम काना। ज्येष्ठ पुत्र रणमल था और जो अनुज था वो कौन था, काना। तो ये किशोर कुमरी इनको क्या है, चुंडा को बेला फुसला कर, यानी ये राव चुंडा इस किशोर कुमरी के प्रभाव में आकर अपना उत्तराधिकारी किसे बनाता है, काना को। जबकि उत्तराधिकारी बनना किसको चाहिए था, रणमल को, लेकिन यहाँ पे रणमल को शासक नहीं बनाया जाता है चुंडा के द्वारा और काना को अपना वैधानिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। तो जब चुंडा के द्वारा जब काना को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया तो इस रणमल ने क्या किया, इस रणमल के, ये जो रणमल था इस रणमल के एक बहिन थी, बहिन, और बहिन का नाम क्या था, हंसाबाई।
क्या बताया मैंने आपको, जब चूंडा के द्वारा कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो रणमल के एक बहन आती है और बहन का नाम था हंसाबाई, और इस ये जो हंसाबाई थी, इस हंसाबाई का सशर्त विवाह होता है, और विवाह हुआ किसके साथ, मेवाड़ के महाराणा लाखा या जिसको अपन लक्ष सिंह भी कहते हैं, लाखा के साथ हुआ। और शर्त क्या थी इस विवाह में, इसमें एक शर्त भी थी विवाह में, मैंने यहाँ पे लिखा है सशर्त विवाह हुआ था, तो सशर्त विवाह हुआ तो इसमें शर्त क्या थी, हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ की अगली भावी उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी होगी। मैंने अभी तक आपको यह बताया है कि इस चुंडा के द्वारा जब कान्हा को उत्तराधिकारी किशोर कुंडली के प्रभाव में आकर कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है तो ये रणमल क्या करता है, अपनी जो बहन थी हंसाबाई, इस हंसाबाई का सशर्त विवाह किसके साथ कर देता है, मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ कर देता है। और शर्त क्या थी इस विवाह में, का हंसाबाई और जो मेवाड़ के महाराणा लाखा है इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ की अगली शासक बनेगी। तो फिर जब हंसाबाई और इस लाखा का विवाह होता है तो विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम था मोकल। तो ये जो रणमल था रणमल के बारे में मैं यहाँ से अलग से लिख देता हूँ, रणमल कुछ समय के लिए मोकल व कुंभा के संरक्षक रहे। मोकल ये जो रणमल थे, जो मारवाड़ के रणमल थे, ये कुछ समय के लिए मेवाड़ के जो मोकल थे जो हंसाबाई और लाखा से उत्पन्न हुए थे उनके संरक्षक भी रहे। उसके अलावा 1438 में भारमली की सहायता से कुंभा रणमल की हत्या करवा देता है। तो एक बार फिर मैं आपको शुरू से बताता हूं केस किस प्रकार क्या होता है। राव चूंडा इनके द्वारा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया। इनके एक रानी का नाम बताया मैंने आपको, और रानी का नाम था किशोर कुंवरी, और चूंडा और किशोर कुंवरी के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था रणमल और छोटे पुत्र का नाम क्या था, कान्हा। तो किशोर कुंवरी के कहने पर ये जो राव चूंडा था ये कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। फिर क्या होता है, ये जो रणमल था, ये रणमल अपनी जो बहन थी हंसाबाई, इस हंसाबाई का विवाह सशर्त मेवाड़ के महाराणा लाखा से करवा देता है। और शर्त क्या थी इस विवाह में, कर लाखा और हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ की अगली शासक बनेगी।
तो फिर जब इनका विवाह होता है तो इनसे मोकल पैदा होता है और मोकल मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं। तो ये जो रणमल थे ये कुछ समय के लिए मोकल और कुंभा के संरक्षक भी रहे। बाद में क्या होता है, ये जो रणमल था इस रणमल की 1438 में भारमली की सहायता से कुंभा के द्वारा शराब पिला पिला कर इसकी हत्या करवा दी जाती है। कहने का मतलब ये जो रणमल था ये भारमली से प्रेम करता था, इसी कारण ये भारमली इसको शराब पिला पिला कर या मदिरा पिला पिला कर इसका मामला परमानेंटली सेट कर देती है। कहने का मतलब इसको मौत के घाट उतार देती है। तो ये थे मारवाड़ के शासक राव चुंडा। तो अगले जो मारवाड़ के शासक है आप इसको नोट आउट कर सकते हो, अगले जो मारवाड़ के शासक है उनका नाम है राव जोधा। तो अभी तक मैंने आपको राव चुंडा के बारे में बताया है कि इनके द्वारा अपनी रानी के प्रभाव में आकर किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, तो अपना उत्तराधिकारी बना दिया जाता है कान्हा को, जबकि उत्तराधिकारी वास्तव में बनना किसको चाहिए था, रणमल को। तो रणमल भी क्या करता है, इसकी जो बहन थी हंसाबाई, इस हंसाबाई का विवाह सशर्त मेवाड़ के महाराणा लाखा से करवा देता है। तो अगले जो मारवाड़ के शासक है उनका नाम है राव जोधा। राव जोधा, अब इस राव जोधा के द्वारा क्या क्या किया गया इन सब बातों की अपन चर्चा करें तो इसके द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता व नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है यहाँ पे चामुंडा माता और नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा 1459 में 1459 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर शहर बसाया क्या किया इसने 1459 में करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर शहर को बसाया था। उसके अलावा चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जिसे गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वजगढ़
गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है। जिसमें एक व्यक्ति था जिसमें राजिया नामक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया तो ये थे मारवाड़ के राव जोधा। इनके द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता व नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा 1459 में जो जोधपुर शहर था वह बसाया है इसने, और चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इसी जोधा के द्वारा करवाया गया, जिसे गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इनके एक रानी थी जिसका नाम था जसमादे, उस जसमादे के द्वारा रानीसर तालाब का निर्माण भी करवाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले शासक की बात करेंगे, और अगले शासक का नाम है राव सातल। अगले जो मारवाड़ के शासक है उनका नाम क्या है? राव सातल। तो राव सातल के बारे में आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है, क्योंकि लोक नृत्यों में भी उसका मामला अमूमन पूछा जाता है। तो मारवाड़ के जो अगले शासक थे उनका नाम था राव सातल। सातल और इनके समय का एक युद्ध याद रखना है आपको, कौन सा युद्ध? ओसाणा का युद्ध। ओसाणा का युद्ध, ओसाणा का युद्ध। और कब हुआ था ये ओसाणा का युद्ध? 1492 ईस्वी को। एक तरफ मारवाड़ के राव सातल और दूसरी तरफ अजमेर के शासक मल्लू खां खां, और इस मल्लू खां का एक सेनापति था, सेनापति, और उस सेनापति का नाम क्या था? भुडले खां। तो मैंने आपको क्या बताया है, कोसाना का युद्ध हुआ कब? 1492 ईस्वी को। एक तरफ मारवाड़ के राजा राव सातल और दूसरी तरफ अजमेर का एक शासक था जिसका नाम था मल्लू खां, और मल्लू खां का सेनापति था इसमें भुडले खां। तो होता क्या है, यहाँ पे जो मारवाड़ वाला रीजन था, इस मारवाड़ वाले रीजन में एक टेंपल था, मंदिर था, मंदिर। तो ऐसा ग्रंथों में अपन को मिलता भी है का मारवाड़ से, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मारवाड़, मारवाड़। तो मारवाड़ से लगभग कुछ औरतें, कहने का मतलब 100-150 के समथिंग कुछ औरतें थी, तो वह इस मंदिर में क्या है, पूजा करने के लिए आ रही थी। तो जब भुडले खां को इस बात की क्या हुई जानकारी, जब भुडले खां को इस बात की जानकारी हुई कि मारवाड़ से कुछ औरतें मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आ रही हैं, तो भुडले खां के द्वारा इन औरतों का क्या कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अपहरण कर लिया जाता है। और अपहरण करके ये कहाँ पे लेके आ जाता है? यहाँ पे लेके आ जाता है, कहाँ पे? अजमेर में। जब राव सातल को इस बात की जानकारी हुई तो सातल के द्वारा इस भुडले खां के ऊपर अटैक किया जाता है, इस भुडले खां के ऊपर आक्रमण किया जाता है, और आक्रमण में इस भुडले खां का सिर काट दिया जाता है, सिर काट दिया जाता है। इस भुडले खां का क्या किया जाता है? सिर काट दिया जाता है।
इसी कारण मारवाड़ में गुड़ला महोत्सव का आयोजन होता है। ये बात याद रखनी है आपको। इसी कारण मारवाड़ में गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। तो ये थे मारवाड़ के राव सातल। ओसाना का युद्ध हुआ 1492 को, एक तरफ गुड़ले खां, दूसरी तरफ मारवाड़ के राजा राव सातल। तो इसमें गुड़ले खां का इस राव सातल के द्वारा सिर काट दिया जाता है, और सिर काटने के पश्चात उसी टाइम से ये मारवाड़ के क्षेत्र में प्रथा बन जाती है। हर वर्ष अपन गुड़ला जो महोत्सव है इसका आयोजन करेंगे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अपनी जो अगली क्लास है वह राव सूजा के बारे में, उसके अलावा राव गंगा, मालदेव और चंद्रसेन के बारे में अपनी अगली क्लासें होगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते चलो और अपनी तैयारी को मजबूत करो। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।